20 अक्टूबर को झारखंड से दक्षिण पश्चिम मानसून की विदाई हो गई है। लगभग 4 महीने 2 दिन रहने के बाद दक्षिण पश्चिम मानसून कल पूरे झारखंड से विदा हो गया है। अब बात करते हैं कि आने वाले दिनों में मौसम कैसा रहेगा। तो अभी आज जो 21 तारीख से यहाँ से लेके दीपावली तक 24 तारीख तक मौसम शुष्क ड्राई रहेगा और अभी धूप भी खिली रहेगी। 24 तारीख को थोड़ा सा बादल, आंशिक बादल आने की संभावना है, खासकर जो आपका पूर्वी इलाका है, दक्षिण इलाका में आपको बादल आने की संभावना है। ऐसा इसलिए कि एक उत्तरी अंडमान सागर और उससे सटे हुए एरिया में एक निम्न दबाव क्षेत्र बना हुआ है और उसके और प्रबल होने की संभावना जताई जा रही है। कल 22 तारीख में उसका जो अभी मूवमेंट है वो वेस्ट नॉर्थ वेस्ट है। कल 22 तारीख में वो डिप्रेशन बनने की उसकी संभावना है और वो और ऊपर उठता हुआ डिप्रेशन के बाद 23 तारीख को डीप डिप्रेशन बनेगा और उसका जो उस समय मूवमेंट होगा वो नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में होगा। फिर वो और प्रबल होता हुआ 24 तारीख को साइक्लोनिक स्टॉर्म बनेगा, चक्रवात बनेगा और 25 तारीख को वो सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म एक जोरदार चक्रवात बनने की उसकी संभावना है। और बात करें तो उसका ट्रैक अभी जो फाइनल ट्रैक जो हो रहा है डिसाइड, उसके हिसाब से वो बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल के बॉर्डर के आसपास में उसका जो पाथ है वो रहेगा और वहाँ पे उसको जाने की संभावना जताई जा रही है। अब बात करते हैं इसका झारखंड पे क्या असर पड़ेगा। तो 24 तारीख से आंशिक बादल झारखंड में देखने को मिलेंगे। आइए दिए जलाएं, इस दिवाली घर के हर कोने को रोशनी से जगमगाएं और अंधेरे को दूर भगाएं। हर घर को मजबूत और रोशन करें इस दिवाली पर सिर्फ टफकॉन के साथ। शुभ दिवाली टफकॉन, the only seal for tough construction.